एक साल 2 साल, शायद कभी कभी ज्यादा भी जा सकती है। ठीक है, तो ये बच्चों में होती है। तो इसमें क्या होता है, ये जो ट्रीटमेंट है पाइलोप्लास्टी का, कब किया जाता है, कब इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है? तो जो ट्यूब है जिससे ड्रेन हो रहा है यूरिन, ठीक है, किडनी के थ्रू, जहाँ पे ब्लैडर से जाकर यूरिन पास होना है, अगर वो ब्लॉक हो गया है तो वो क्या करता है, वो पुश करता है वापस से यूरिन को किडनी में, जिससे क्या होता है, किडनी के फंक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस और उससे इन्फेक्शन हो रहा है, तो और पेन होता है बच्चे को, तो यानी कि यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है। तो जब ब्लैडर पे इसका बेसिकली जो है कंप्लीटली वो ब्लैडर खाली नहीं होगा, तो ऑब्वियसली पेन होगा, तो इसमें पाइलोप्लास्टी से ये प्रॉब्लम फिक्स की जाती है। तो एक केस चंदन जी ने भी भेजा था, वो वी विल ऑल्सो डिस्कस टुडे। तो वो बच्चे का एज भी शायद 3 साल के आसपास ही था, तो उसमें जो भी ट्रीटमेंट दिया हो, बट वन ऑफ देम इज पाइलोप्लास्टी। तो अगेन यू शुड बी अवेयर कि किड्स में भी ये बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है यूरिनेशन की, जिसमें यूरिन पूरी तरीके से जो है ना ब्लैडर खाली नहीं होता। तो जब हम यूरिनेशन वाली प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें भी ये चार्ट में दोबारा दिखाऊंगा आपको, जो कि अभी हम देखने वाले हैं, उसमें हम दोबारा से उसको समझेंगे जब हम यूरिनेशन वाले चार्ट करेंगे मेल फीमेल दोनों में। ठीक है, तो मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, दो चार्ट दिखाता हूँ ऐसे,